दोस्तों यूं तो 2023 में बहुत सारी हिंदी वेब सीरीज रिलीज की गई हैं, लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे हिंदी वेब सीरीज के बारे में जिनकी एक्शन देखने के बाद आप सच में दंग रहने वाले हैं और इन एक्शन सीरीज को आप किसी तरह से भुला भी नहीं पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग हिंदी क्राइम थ्रिलर एक्शन वेब सीरीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में जिन्हें रिलीज की गई है 2023 में, और इन सभी वेब सीरीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10, क्रैकडाउन सीजन 2। सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है अचानक से ही कुछ टेररिस्ट जो कि एक प्लेन हाईजैक कर लेते हैं। इसी बीच इंडियन रॉ एजेंट्स किसी भी तरह से उस प्लेन हाईजैकर्स को पकड़ना चाहते हैं और सभी पैसेंजर को किसी भी तरह से सुरक्षित इंडिया लेकर आना चाहते हैं, और वो इस काम को किस तरह अंजाम देते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं जियो ओरिजिनल पर, और IMDb रेटिंग भी है 10 में 7.2। नंबर 9, फॉल सीजन 2। सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीरीज की सीजन 1 में बहुत सारी चीजों को अधूरा छोड़ दिया गया था, और उन्हीं अधूरे चीजों को इस बार सीजन 2 में कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर, और इस IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.4। नंबर 8, शैतान सीरीज बेस्ड है एक्शन क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे फैमिली से जो कि अपना पेट पालने के लिए क्राइम का रास्ता अपनाती है, लेकिन क्राइम का रास्ता अपनाने के बाद उनकी लाइफ कैसी होती है, इवन उनकी लाइफ कहां पर जाकर खत्म होती है, ये सारी की सारी चीजें इस पूरे वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6। नंबर 7, 500 meters। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक बच्चे की किडनैपिंग से, लेकिन ये किडनैपिंग एक्चुअल में एक मर्डर केस बन जाता है, यानी कि उस बच्चे को वो क्रिमिनल्स मार देते हैं। इसी बीच एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर किसी भी तरह से उन क्रिमिनल्स को ढूंढ के निकालना चाहता है, और लास्ट तक वो अपने इस मकसद को किस तरह कामयाब करता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं चौपाल ओरिजिनल पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.9। नंबर 6, जानबाज हिंदुस्तान के। सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक IPS ऑफिसर से जो कि टेररिस्ट के एक खतरनाक मंसूबे को किसी भी तरह से फेल करना चाहती है, और वो अपने इस मिशन को किस तरह कामयाब करती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं C5 पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 5, ताज डिवाइडेड बाय ब्लड। सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड हिस्टोरिकल ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है अकबर के सल्तनत से, और कंप्लीट सीरीज में अकबर के सल्तनत के साथ साथ उनके सभी बेटों के चरित्र को भी यह पूरी सीरीज आपके सामने उजागर करती है। सीरीज में आप अकबर के कंप्लीट हिस्ट्री को जान पाएंगे। सीरीज रिलीज की गई है C5 पर, और इसे IMDb रेटिंग दी है 10 में 7। नंबर 4, गर्मी सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है अरविंद नाम के एक सीधे साधे लड़के से जिसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। इसी बीच वो कॉलेज में पढ़ने जाता है, लेकिन कॉलेज में पढ़ने जाते ही उसकी गतिविधियां बदल जाती है और वो एक पॉलिटिक्स के अच्छे क्राइम में फंस जाता है, और लास्ट तक अरविंद को यह पॉलिटिकल करियर कहां पर लेकर जाता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिव पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5। नंबर 3, हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर से जो कि किसी भी तरह से मुंबई से क्राइम और क्रिमिनल्स का नामोनिशान मिटा देना चाहता है, लेकिन वो अपने मकसद को किस तरह कामयाब करता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Mini TV पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। नंबर 2, इंस्पेक्टर अविनाश। सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है इंस्पेक्टर अविनाश से जो कि उत्तर प्रदेश से किसी भी तरह से क्राइम और क्रिमिनल्स का नामो निशान मिटा देना चाहता है, और वो अपने मिशन को किस तरह कामयाब करता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.4।
और लास्ट नंबर वन पर हम बात करेंगे सास बहू और फ्लेमेंगो। सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है सविता से, जो कि ड्रग्स का रैकेट चला रही होती है, लेकिन इसी बीच अचानक से ही पुलिस को उसके साम्राज्य के बारे में पता चल जाता है। एक तरफ पुलिस जो कि सविता के ड्रग्स के साम्राज्य को किसी भी तरह से खत्म कर देना चाहती है, तो दूसरी तरफ सविता जो कि अपने ड्रग्स के रैकेट को बरकरार रखना चाहती है। और लास्ट तक इन दोनों की वॉर में जीत किसकी होती है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.1। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।